हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। सो, हम करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर मैथ्स, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप कर रहे होंगे तो उन्हीं तरह के क्वेश्चन से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। सो, हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप CET, HSSC, STAT SSC या CTET मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सो, आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने भी कंपलसरी हो जाते हैं, ताकि आपकी क्विक रिवीजन उनसे हो सके। सो, बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो, क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 6 ब्रदर इज 15, यानी कि जो औसत आयु है 6 भाइयों की वो है 15। ठीक है, तो भाई कितने हैं? 6। उनका औसत आयु, औसत की जब भी बात कर दे वो दे दे, तो हम क्या लिख देते हैं? उसकी औसत आयु प्रोडक्ट में हो जाती है, यानी कि एवरेज जो भी देते हैं उसकी टोटल नंबर, जितने लोगों की एवरेज या जितने चीज़ों की एवरेज की बात की जा रही है उससे हम प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस लाइन से हमारे पास जो मतलब निकलता है वो ये वाला निकलता है। ठीक है, इफ़ देयर फादर इज आल्सो इंक्लूडेड, यानी कि 6 लोग पहले थे, फादर को इंक्लूड करते ही कितने लोग हो चुके हैं? फादर को इंक्लूड करते ही 7 लोग हो चुके हैं। द एवरेज इज इंक्रीज बाय 7 ईयर, तो एवरेज 7 ईयर से इंक्रीज हो जाती है, यानी कि पहले एवरेज 15 थी, 15 में 7 ऐड हो गई तो कितने हुए? 22। तो जो एवरेज है, एवरेज की हम प्रोडक्ट करते हैं इंक्रीज बाय 7 ईयर, मतलब 7 की प्रोडक्ट हो जाएगी 7 22 से। ठीक है, क्योंकि 7 लोग, एवरेज टोटल कितनी होगी? 22। सो फाइंड क्या करना है? द एज ऑफ फादर, जो पिता है उसकी आयु हमें निकालनी है। तो पिता की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो फादर के साथ इंक्लूड करके जो आई है 7 लोगों की, उसमें से जो 6 लोगों की थी उसमें से माइनस कर देंगे तो पिता की भी आ जाएगी। तो क्या करना है? 7 की 22 से प्रोडक्ट कितनी आएगी? 154 माइनस 15 की 6 से प्रोडक्ट कितनी आएगी? 90। सो फादर की कितनी हुई? हमने क्या करना था? इसको माइनस करना था इसमें से, तो इसमें से माइनस किया, इसकी प्रोडक्ट ये आई और इसकी प्रोडक्ट ये आई, तो कितना बना? 64। तो फादर की एज कितनी हुई? 64। ऑप्शन थी 3 क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मेटल रोड्स ऑफ लेंथ 77, 110 एंड 121 सेंटीमीटर आर टू बी कट इंटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि एक जो रोड है, मान लो 77 है ये, इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ में कट कर रहे हैं, जितनी लेंथ इतनी होगी उतनी ही इसकी होगी। ऐसे ही अगर 110 की अगर रोड है उसको भी कट कर रहे हैं और इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। सिमिलरली 121 की लेंथ, ये 110 की है और एक 121 की लेंथ है, उसको भी इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर इक्वल पार्ट में इनको कट कर रहे हैं तो टोटल कितने जो है, इफ़ ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी कि हर पार्ट जितना लंबा हो सके उतना करेंगे, लेकिन इक्वल इक्वल आने चाहिए सब में। ठीक है, हर किसी में जितनी भी लेंथ होगी, अगर इसमें हम 5 सेंटीमीटर का काट रहे हैं, लेट किया 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो इसमें हर एक पार्ट 5 का होना चाहिए, इसमें भी हर एक पार्ट 5 का होना चाहिए। सो कह रहे हैं कि वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज दैट कैन बी कट, कितने पीस इसमें कट हो सकते हैं मैक्सिमम लेंथ के साथ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस निकालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे हम HCF। क्या निकाल देंगे? HCF। HCF किसका? 77। देखो 77 क्या लिखा जा सकता है, 7 × 11, और फिर किसका निकालना है? 110 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 11, और फिर निकालना है 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 × 11। अब HCF होता क्या है? एक ऐसा नंबर या कोई भी ऐसे नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहे हो, तो तीनों के अंदर आ रहा है 11, इसका मतलब हर पार्ट की लेंथ कितनी होगी? 11, मतलब इतना जो कट होएगा 11, फिर इतना कट होएगा 11, हर एक पार्ट 11 कट होएंगे।
तो टोटल 77 और इतनी इतनी लेंथ में से कितने पीस कट हो सकते हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 11 है इसको छोड़ दो और इनको कर देंगे ऐड। ये कितना हो गया अपने पास 28, यानी कि टोटल हम 28 पीस को कट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए, राम कंप्लीट्स अ वर्क इन 8 डेज। ये वर्क वाले क्वेश्चन आ जाए, किसी एक का दे दिया। राम के लिए मैं RAM, चलो राम लिख दिया। राम जो है, अगर इसका वर्क 8 डेज आ रहा है तो इसको डायरेक्ट 1/8 आपने लिख देना है, ठीक है। रहीम इन 16 डेज, तो रहीम आ गया, तो रहीम लिखकर इसको आपने लिख देना है 1/16। जितना दे रखा है उसको 1/ करना है, क्योंकि हम 1 यूनिट निकाल रहे होते हैं। शाम इन 12 डेज, तो शाम लिख करके हमने कितना लिख देना है 1/12। इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर, मतलब राम, रहीम और शाम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने क्या लिखना पड़ेगा, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/12। मिलकर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है प्लस लगेगा। देन इन हाउ मैनी डेज विल हाफ ऑफ द वर्क कम्प्लीट, कितने दिनों में आधा काम पूरा हो जाएगा। पहले हम यहाँ से टोटल डेज निकालेंगे कि कितना टाइम में पूरा काम होगा, है ना। तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं तो कितने डेज लगेंगे तीनों मिलकर काम ख़त्म करने में, और जितना होगा उसका हम कर देंगे हाफ, आधा कर देंगे। तो इसका हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका, 4 × 2 = 8 और फिर 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12। तो हमारे पास एलसीएम आता है 16 × 3 = 48, क्योंकि हमें 48 निकालना है, तो यहाँ से हमें 2 करने की नीड नहीं है, तो 48 हमारे पास एलसीएम आएगा बिल्कुल ईजिली। और यहाँ से कितना बनेगा, 16 × 48 और 12 × 48, कितना हो गया ये 13, मतलब 13/48। ये हमारे पास पूरा काम करने की यूनिट आई है, तो पूरे काम करने की यूनिट जो भी आई, 48 लिखना था, गलती से 14 लिख दिया, ठीक है। 13/48 तीनों मिलकर पूरे काम को कंप्लीट करेंगे। इन्होंने पूछा है कि कितने दिनों में आधा काम कंप्लीट होएगा। आधे काम को करने के लिए देखो, अभी पूरे काम की एक यूनिट आई है, तो इसको हम जब भी डेज निकालना होता है, क्योंकि देखो हमने डेज को हमने 1/ करा था, अब क्योंकि हमने डेज निकालना है तो उसको उल्टा कर देंगे, तो 48/13। अब इसका क्या निकालना है, आधा काम, तो आधा कर देंगे नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ये आ गया 24। तो 24 को 13 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 पे कट होगा 11/13, यानी कि हमारे पास ऑप्शन 2 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए जो भी डेज होती है पहले उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उसको जब सोल्व करोगे लास्ट में जो भी आंसर आएगा उनका डेज निकालने के लिए उसको हमेशा हम उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि अगर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, एक बड़ा स्फीयर एक ले लिया हमने हेमिस्फीयर, है ना, ये हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होगा। इफ़ रेडियस ऑफ द स्फीयर, एक हेमिस्फीयर की शेप, ये कह रहे कि 3/4 है, हेमिस्फीयर में भी बड़ा हो मैंने छोटा बना दिया, ये है ना 3/4। तो अगर हम स्फीयर की रेडियस अगर लिखे, वो उसको मैं लिख रही हूँ R1। R1 क्या है, अगर हेमिस्फीयर की इसकी रेडियस R1 कह दी, हेमिस्फीयर की कह दी R2। क्या कह रहे हैं ये, इफ़ द स्फीयर की रेडियस क्या है, इज मिलते ही इक्वल का साइन लगाना है, 3/4 फिर लिख दिया 3/4, आगे मिला 3/4 के बाद ऑफ मिलते ही मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस मैंने मानी है R2। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, अब यू बताओ कि वॉल्यूम यानी कि स्फीयर का आयतन क्या होता है। स्फीयर का आयतन होता है 4/3 πr³। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, आयतन क्या होगा, 2/3 πr³। अब यहाँ पर मैंने R2 लिया है और यहाँ पर इसको R1 लिया, हमें निकालना है इन दोनों का रेशियो, यानी कि इन दोनों के डिवाइड निकालनी है, ठीक। तो
क्या करेंगे, 4/3 पाई आर वन का क्यूब बाय में 2/3 पाई आर टू का क्यूब हमें निकालना है। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे कैंसिल हुआ, ये 3 से 3 ये वैसे कैंसिल हो गया, पाई से पाई वैसे कैंसिल हो गया, क्या बना हमारे पास 2 बाय में तो कुछ नहीं, आर वन की क्यूब, आर वन हमने क्या माना, आर वन की वैल्यू ये है तो आर वन की वैल्यू पुट कर दो, 3/4 आर टू का, इसका क्यूब करना है ये कर दिया क्यूब बाय में 3, आर टू का क्यूब है इसकी वैल्यू कुछ नहीं, आर टू का क्यूब एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आर टू का क्यूब अलग होता है और इसका क्यूब अलग होता है, तो आर टू क्यूब से आर टू क्यूब हो गया कैंसिल, तो 2 × 3 की पावर 3 होता है 27 और 4 3 टाइम है, 4 को 3 टाइम लिखेंगे तो 16 × 4 मैं लिख सकती हूँ, मैंने इसलिए लिखा था कि मैं इसको कैंसिल कर सकूँ, ये आ गया 27/32, यानी कि ऑप्शन 3 हमारे पास रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, मतलब एसपी कह रहे हैं, सेल मतलब बेचा, एसपी विक्रय मूल्य, कितने पर बेचा, आर्टिकल को बेचा कितने पर, 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर 20% का उसको प्रॉफिट मिला। ठीक है, फिर इफ ही बाय इट एट हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, अब बाय जो उसने किया हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेल एट द सेम सेलिंग प्राइस एट एज बिफोर, तो कह रहे कि अगर उसने जो बाय किया है, बाय मतलब उसने जो खरीदा है वो कितने पर खरीदा है, उसने बाय किया कितने पर किया, जो उसका कॉस्ट प्राइस था सीपी था उसके आधे पे। ठीक है, उसने जो खरीदा, जो उसका सीपी था स्टार्टिंग का उसके आधे पे उसने खरीदा उसे। ओके, फिर कह रहे हैं कि एंड सेल एट द सेम प्राइस एज बिफोर, और बेचा किस पे, जितना पहले ही सेलिंग प्राइस था उतने पर ही बेचा। ठीक है, तो यानी कि एसपी हमारे पास ये हो गया, इसने बाय ये वाला किया। फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा वो बताना है। अब उसने जो खरीदा, खरीदने पे जो पैसे लगे वो ये, उसने जो बेचा उस पर जो पैसे लगे वो हुए ये, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एसपी होता है उसमें से जो बाय करते हैं, जो वो खरीदता है उसको माइनस कर देते हैं, वो हमारा प्रॉफिट होता है ना। तो एसपी हमारे पास है सीपी प्लस में 20% और माइनस बाय कितना है सीपी बाय 2, इसको हमने करना है सोल्व। सोल्व करेंगे हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकाल के हमने करना है प्रॉफिट परसेंट। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इसका सीपी होता है ना, जो भी सीपी होता है उससे हम, यानी कि बाय प्राइस होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। एक बार इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1/2 को हम क्या लिख देंगे, 0.5, सीपी को मैं सी लिख रही हूँ। ठीक है, अब जो एसपी है, एसपी को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस 20% हो रहा है तो 1+20% लिखते होते हैं वैसे से, तो ये बन जाता है 120/100 सीपी, और इसको 0 से 0 हुई कैंसिल और ये हमारे पास बन गया 1.2, कितना बन गया 1.2 × सीपी। ठीक है, तो एसपी की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1.2 सीपी माइनस, और बाय की वैल्यू क्या मिल गई, सीपी को मैं सी ही लिख रही हूँ। ठीक है, सीपी को मैं सी ही लिखूँगी बस, तो यानी कि 1.2 सी माइनस इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 0.5 सी, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमें हुआ 12 में से 5 गई 0.7, तो 0.7 हुआ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट होता है डिवाइड में जो उसका जितने में उसने खरीदा होता है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट परसेंट मिल जाता है। तो 0.7 सी डिवाइड किससे करेंगे, बाय खरीदा कितने में था 0.5 सी में, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 हुई कैंसिल, ठीक, और यहाँ पर कट हुआ 20 पर, और हमें कितना मिल गया 140% है ना,
140%, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो है ये वाली जीरो यहाँ पर जाएगी और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 140, तो 140% इसका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 14,000 MR, उसके ऊपर MP कह दो या MR कह दो, MP जो है मार्केट मार्क प्राइस, उसके ऊपर लिखा कितना हुआ है, लिखा हुआ है वही 14,000। सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, सेलिंग मतलब SP, वो कितना लिखा हुआ है, वही लिखा नहीं हुआ, बेच रहे हैं वो कितना है 9702। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना, पहले तो डिस्काउंट दिया इन्होंने 23, ठीक है, दूसरा डिस्काउंट उन्होंने दिया Y, पहला कितना 23 और दूसरा Y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y, तो कह रहे हैं कि Y कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट डिस्काउंट है 23, डिस्काउंट होएगा किस पे, जितना रेट लिखा हुआ है ना, तो रेट के ऊपर डिस्काउंट होता है तो इसकी प्रोडक्ट कर देंगे 23% है तो 23 में कर देंगे हम 100, ठीक है, 23% डिस्काउंट है तो 23 में 100 कर दिया, तो ये कितना हुआ, इसको हम कैंसिल करेंगे, ये हमें कितना मिलेगा 322 और ये एक जीरो जो बच जाएगी वो जीरो, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डिस्काउंट करने के बाद इतना रेट बैठा। अब एक और डिस्काउंट दे रहे हैं ये वाई परसेंट का, है ना, अब वाई परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि पहला डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस कितना बना, है ना, ये तो डिस्काउंट हुआ, ये हमारे पास डिस्काउंट निकला क्योंकि 23% यानी कि इतने रुपए घटेंगे 14,000 में से, तो डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास प्राइस कितना बन गया, अभी प्राइस बना है 14,000 माइनस में 3220, ये हमारे पास प्राइस बना, मतलब माइनस करने पे क्या मिला हमें 10780। अब दे रहे हैं ये सेकंड डिस्काउंट, अब सेकंड डिस्काउंट किसके ऊपर होएगा, अब इसके ऊपर होगा सेकंड डिस्काउंट, अब पहले वाला मैटर नहीं रहा, अब रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। सो हमने निकालना है अब सेकंड डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट कितना है, वाई परसेंट है तो 10780, यानी कि अब उसको जो पे करने पड़ेंगे, अब नया प्राइस कितना बन जाएगा जो उसको देने पड़ेंगे, तो इसके ऊपर वाई परसेंट हमें मिला है सेकंड डिस्काउंट, तो वाई परसेंट के लिए क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय वाई परसेंट, ठीक। और ये किसके इक्वल होगा, अब मेन बात यही पर आती है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब जो ये डिस्काउंट है इसके ऊपर दे रहे हैं, लेकिन इसको इक्वल किसके रखेंगे, इसको इक्वल रखेंगे हमारे पास जो डिस्काउंट पहला था 10780 माइनस में जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, जितने में बेचेंगे ये, तो 9702, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा, इसको माइनस करके, माइनस करके हमें क्या मिलेगा, 10-2 8, ये 701, ठीक, 1078 ये हमें मिला। और इसकी फिर क्या कर देंगे हम, ये प्रोडक्ट में है ना, अभी हमें मिला है 1080, 10780 मल्टीप्लाई बाय वाई परसेंट मिला है इक्वल में ये, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी ये प्रोडक्ट में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, वाई परसेंट कितना हो गया भाई, 1078 डिवाइड बाय 1780, है ना, तो इसको इसे डिवाइड करेंगे कितना आया, हमें मिला नीचे 10, क्योंकि 10 पर कट होएगा क्योंकि वाई परसेंट है, तो परसेंट हटाएंगे यहाँ से, तो यानी कि वाई बाई 100 हमें 1/10 मिला, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वाई इक्वल हो गया भाई 10, यानी कि 10% हमें कितना मिला है, ये सेकंड डिस्काउंट, यानी कि वाई की वैल्यू होगी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिया एंड रिया कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अलोन इन 15 days and 18 days, मतलब जो मिया है, मिया का कितना दिया है 15 days, तो 1/15 कर देंगे 15, अकेले 15 days में काम कर रही है, और रिया, रिया कितने दिनों में काम कर रही है अकेले, 10 days, तो इसको लिख दिया 1/10। मिया स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 5 days रिया ज्वाइंड हर टिल कंप्लीशन द वर्क, यानी कि मिया ने पहले काम शुरू किया, मिया ने पहले काम शुरू किया और इसके 5 दिन के बाद, 5 दिन बाद रिया ने काम को शुरू किया, ठीक। फिर कह रहे कि हाउ डिड
हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, कब तक दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हो कब तक काम चलेगा हमें ये बताना है। ठीक, तो हमने मिया का लिख दिया और हमने रिया का लिख दिया। अब इनका मिलकर एक दिन का काम क्या होगा, टुगेदर अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन का मिलकर काम कितना होगा, मिलकर करने के लिए इसको कर देंगे प्लस। ठीक, एलसीएम हमारे पास कितना बनेगा इसका 30, तो 15 दूनी 30, 10 दिए 30, 5 बटे 30, 1 बटे 6, यानी कि मिलकर जो ये काम करेंगे 1 बटे 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन का। ठीक है, 1 बटे 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन का। तो मिया ने पहले 5 दिन काम किया है ना, तो 5 दिन का मिया का काम कितना बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 15। ठीक है, तो कितना बन गया 5 दिन का, 5 दिन उसने कितना यूनिट काम कर लिया, 1 बटे 3 यूनिट, यानी कि पूरा एक काम है उसका 3 यूनिट उसने काम कर लिया। अब बचा कितना, ये तो मिया ने अकेला किया, फिर 5 दिन के बाद दोनों मिलके कर रहे हैं, तो यानी कि बचा हुआ काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, जो लेफ्ट यानी कि रिमेनिंग काम होगा वो कितना काम रह गया, एक में से जो मियाँ ने कर दिया उसको माइनस कर दो, ये हो गया 2/3। 2/3 काम दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, अब 2/3 काम दोनों मिलकर तो करेंगे, लेकिन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/6, तो इसकी प्रोडक्ट कर देंगे 1/6 से, तो ये कैंसिल हुआ 3, तो कितना हुआ 1/9। मैन ये है एक दिन के काम की यूनिट, मतलब ये टोटल कितने मिल गई, बचा हुआ जो काम था उसकी यूनिट निकली है, और डिवाइड में हमेशा डेज लिखे जाते हैं, तो डेज निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे तो बन गया ये 9। तो 9 डेज में मिलकर दोनों की है काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसी जो है टेस्ट सीरीज आती रहेगी। Keep sharing, subscribe and like and comment.